Hi everyone. Today we are going to start a new lecture. हम लोगों ने यूनिट 4 पिछली बारी स्टार्ट किया था, जिसका चैप्टर 1 लीगल मटेरियल्स हमने डिस्कस किया था केस लॉस की रेफरेंस में. अब जो अपकमिंग है वो है लीगल मटेरियल्स, स्टैट्यूट्स, डाइजेस्ट, जर्नल्स एंड रिपोर्ट्स. तो जस्ट इन केस अगर आपने पुराना लेक्चर नहीं सुना है या आप अवेयर नहीं हो कि हम क्या बात करें, तो ये हमारा यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 2 है. ये आपको एक्सप्लेन करता है लीगल रिसर्च के सोर्सेज कहाँ कहाँ से हैं, किस प्रकार के हैं, क्या यूज़ होता है, किस टाइप का सोर्स कौन सा है, एट्सेट्रा. इस रेफरेंस में मैंने आपको दो बातें समझाई थी. लीगल रिसर्च दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसमें हम केस लॉज और ये सब डिस्कस करते हैं, स्टैट्यूट्स वगैरह, और फिर सेकेंडरी सोर्सेज में हम जर्नल्स और डाइजेस्ट वगैरह डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली केस लॉज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए अगर आपने अभी तक पुराना लेक्चर नहीं सुना है तो आप वो सुन लीजिए. उसके बाद हम लोग अपना शुरू करेंगे आज का चैप्टर स्टैट्यूट्स, डाइजेस्ट, जर्नल्स और रिपोर्ट्स के ऊपर. पहले मैं स्टैट्यूट से शुरू करूँगी. स्टैट्यूट आप लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है. अगर आप रेगुलर क्लासेस में रहे हैं तो स्टैट्यूट्स मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं. जब आपकी लेजिस्लेशन यानी लॉ मेकिंग बॉडी किसी भी तरह का रिटन स्टेटमेंट बनाती है जो एक स्टेट को, एक राज्य को, एक देश को फॉलो करना होता है, रिटन लॉज जब बनाए जाते हैं, ओके, फॉर्मली जब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी लॉ दे, वो स्टैट्यूट कहलाता है. स्टैट्यूट जनरली दो तीन काम करते हैं. या तो वो किसी काम को कमांड करने के लिए बनाए गए होते हैं, कोई पर्टिकुलर काम अगर करवाना हो तो, कोई पर्टिकुलर काम रुकवाना हो तो, और कोई पर्टिकुलर पॉलिसी बनानी हो तो. इसका मतलब इन सब केसेस में अगर लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग बॉडी एक रिटन लॉ देगी, रिटन कमांड देगी, तो वो स्टैट्यूट्स होंगे. अब ये जो स्टैट्यूट्स हैं ये लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा बनाए गए हैं, तो ये केस लॉज या प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि जो प्रेसिडेंट्स या केस लॉज थे वो जुडिशरी से थे. हमने पहले क्लियर किया था वो कोर्ट्स बनाते हैं, ये लेजिस्लेशन बनाता है. इस सब के लिए आपको सेपरेशन ऑफ पावर का यूनिट और जो के पुराने चैप्टर्स हैं उन पे कमांड स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो आपके पुराने चैप्टर्स हैं उसी से आपको पता लगेगा कि एक्चुअली हमारी थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. उन केसेस में सबसे ऊपर आता है लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी, और जब लॉ मेकिंग बॉडी कोई रिटन डॉक्यूमेंट दे, कोई रिटन रूल एंड रेगुलेशन दे, वही स्टैट्यूट कहलाता है. इसका मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो केस प्रेसिडेंट से अलग होता है. अगर मैं बात करूँ कोडिफाइड लॉ की, तो बेसिकली जैसे हम एक पर्टिकुलर चीज़ को कोड बना देते हैं, ठीक है, उसमें वो सारे स्टैट्यूट्स या रिटन लॉज आएंगे जो उस पर्टिकुलर चीज से, टॉपिक से रिलेशनशिप शेयर करते होंगे. इस तरह के कोड में जैसे CRPC है, IPC है, ये जो सारे कोडेड स्टैट्यूट्स होते हैं, कोडेड लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको कोडिफाइड लॉ का नाम दिया गया है. इसका मतलब अगर आपने कोई पर्टिकुलर लॉज का जो ग्रुप है, जो केसेस हैं, उनको मिलाकर एक साथ एक स्टैट्यूट के फॉर्म में डाल दिया तो वो कोडिफाइड बन जाएंगे, नहीं तो वो नॉर्मली स्टैट्यूट्स रहेंगे. अब आपको पता है कि लेजिस्लेटिव में लॉ मेकिंग पावर होती है. लॉ मेकिंग पावर किनको दी जाती है? जिनको हम खुद चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्ट होकर वहाँ लेजिस्लेटिव ब्रांच में काम करने बैठते हैं. इसका मतलब हम जब अपने रिप्रेजेंटेटिव, हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हम जब अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उसमें लॉ मेकिंग पावर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे जो फेडरल और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उनके अलावा जो स्टैट्यूट्स हैं वो इन लॉ मेकर्स के द्वारा भी पास किए जा सकते हैं. तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि आप इसको केस लॉज के साथ मैच नहीं करोगे. केस लॉज अलग चीज़ है, क्योंकि केस लॉज कोर्ट्स द्वारा दिए गए हैं, और ये जो हमारी लॉ मेकिंग पावर्स हैं ये एक्चुअली लेजिस्लेचर का काम है, ठीक है, और इनका नाम है स्टैट्यूट्स. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिपोर्ट्स. अब देखो, रिपोर्ट्स तो आप लोगों को वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है. कैसे?
जब आपको कोई डिसीजन लिया गया, जो जुडिशियल डिसीजन लिए गए, केसेस के रिजल्ट आते हैं, उन केसेस के जो लॉज बनेंगे या उस पर क्या जजमेंट पास हुआ था, ज्यूरिसडिक्शन कैसा था, किस तरीके से हैंडल की गई थी सिचुएशन, उस केस में जो रिपोर्ट्स हैं वो सारे डिसीजन जो इकट्ठे किए जाते हैं वॉल्यूम्स में, जब उनको साथ में बांधकर एक जगह रखा जाए, इकट्ठा कर, वो जुडिशियल डिसीजंस को रिपोर्ट या रिपोर्टर्स कहते हैं। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स हैं, ये ऑफिशियल रिपोर्टर है जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट या डिसीजंस को बाइंड कर कलेक्टिवली रिपोर्ट्स के फॉर्म में पेश करता है। वो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स ऑफिशियली वो ऑफिस है। उसके साथ साथ कई प्राइवेट रिपोर्टर्स भी हैं जिनको कोर्ट ने अलाउ कर रखा है कि वो जुडिशियल डिसीजंस को कंबाइन कर कोर्ट्स में एज रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं। जो लॉ रिपोर्ट्स या रिपोर्टर्स होते हैं, ये एक बुक्स की सीरीज होती है, बुक्स की एक लाइन होती है, जो बहुत सारे जुडिशियल ओपिनियंस होते हैं जो उनको कलेक्ट करती है, ठीक है। और ये जो रिज़ल्ट है, ये कोर्ट्स के द्वारा आए गए केस लॉज में से इकट्ठा होता है। तो जब आपको कोई पर्टिकुलर उस केस का रिज़ल्ट, मान लो आपको बोलना है मुझे एग्जांपल केस एक्स का रिज़ल्ट रेफ़र करना है ना, तो आपको उस रिपोर्ट के अंदर हर एक रेफरेंस की चीज़ मिल जाएगी कि हाँ किस केस में किस तरीके का उससे रिलेटेड काम हुआ था। तो रिपोर्ट्स, जैसे कि जनरली रिपोर्ट्स क्या होती हैं, आउटपुट बताती हैं, रिज़ल्ट बताती हैं किसी चीज़ का, उसी प्रकार से केस की जजमेंट का रिज़ल्ट बताने का काम लॉ रिपोर्ट्स करती हैं। तो ये जो लॉ रिपोर्ट्स हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट सोर्स है लीगल रिसर्च के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है जज करने में कि हमारा जो बेसिक रिज़ल्ट आया था उस समय पर किसी भी केस का, वो क्या था। उसके बाद आता है साइटेशन। साइटेशन क्या होती है, किसी भी काम के नीचे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, 38, 24, छोटे लेटर्स में होते हैं। ये जनरली क्या करता है, एक रेफरेंस देता है। जैसे अगर आपने एंड किया कि माय नेम इज़ जॉन एंड आई वर्क इन अ कंपनी कॉल्ड एक्स, उसके नीचे आपने एक नंबर दिया है छोटा सा, इसका मतलब ये लाइन आपने कहीं से रेफ़र करी है ना। तो अब जैसे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, या आप कोई बुक लिख रहे हो, या कोई बहुत इम्पॉर्टेंट कोई जर्नल लिख रहे हो, कहीं पर कोई एकेडमिक पेपर पब्लिश करवा रहे हो, कुछ भी, इसका मतलब जब आप, वो इंटेलेक्चुअल काम होगा अपना, उसको जब आप लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं से तो उसकी रेफरेंसेस लोगे ना, मदद लोगे उसमें चीज़ें ऐड करने के लिए। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो रेफरेंस मैं किस चीज़ को दे रहा हूँ, वो कौन सी किताब है, वो कौन सा बुक है, वो कौन सा एरिया है जहाँ से मैं ये मदद ले रहा हूँ। तो वो जो हमारा रेलेवेंस होगा ना उस पर्टिकुलर काम का, उस काम को साइटेशन कहा जाता है। जब आप साइट करते हो कि आपने ये चीज़ कहाँ से उठाई है और अपने काम में डाली है, इसको बोलते हैं साइटेशन, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी, जैसे अपने बचपन में आप फाइल्स बनाते हो तो बिब्लियोग्राफी रेफ़र करते हो ना, पीछे की बुक्स कहाँ से सोर्स लिया था मैंने अपने काम का, उसी को साइटेशन कहते हैं। किसी भी काम में अगर आपने कुछ बाहर से इंक्लूड किया है तो आपको साइट करना पड़ता है आपने कहाँ से लिया है। उसके बाद आता है जर्नल। जर्नल्स तो आपने पढ़े भी होंगे, जर्नल्स क्या होते हैं, स्कॉलर पब्लिकेशंस होती हैं, राइट, किसी खास सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे, जो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, है ना, वो जर्नल्स पब्लिश करते हैं। अच्छा, क्या होता है, हम कभी न्यूज़पेपर देखते हैं या मैगज़ीन देखते हैं तो वो एक टारगेट ऑडियंस के लिए नहीं होती, कोई भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन उठा के कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, अपनी अगर उसको इंटरेस्ट हो। लेकिन जर्नल्स ना इतने ईजी नहीं होते टू रीड। अगर आप लॉ से हो और अगर आप उस चीज़ की नॉलेज रखते हो, आपने कभी पढ़ा है, तभी आप जर्नल में एंगेज हो पाओगे या उसको समझ पाओगे। रैंडमली कोई भी व्यक्ति जर्नल उठाकर रीड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो समझना, उसको वो अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल से बनी होती है,
बहुत सारे आर्टिकल्स कंबाइन करके, रिसर्च वर्क कंबाइन करके जर्नल्स क्रिएट किए जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टडी को हाईलाइट करने के लिए जिसमें कि आपने काम किया है। तो जर्नल्स का क्या होता है, अपने अपने हिसाब से वो पब्लिश होते हैं। जैसे जर्नल्स मंथली हो सकते हैं, हर मंथ जैसे मैगजीन्स होती हैं, क्वार्टरली होते हैं, ठीक है, या एक साल में एक ही बार आने वाले भी होते हैं। तो मतलब हर कॉपी को एक इशू करा जाता है, जर्नल इशू करते हैं, वहाँ से बहुत सारे इश्यूज मिलाकर एक वॉल्यूम बनती है। जब आपने हर मंथ इशू करा, मान लो अप्रैल इशू, मार्च इशू, जनवरी इशू, ये सारे उस पर्टिकुलर मंथ के इशूज़ होंगे, इनको आप कंबाइन कर दोगे तो पूरा 2019 अगर मान लो आपने कंबाइन करे पुराने सारे मंथ्स, तो वो 2019 का एक वॉल्यूम बन जाएगा जिसमें सारे सारे इशूज़ कंबाइंड होंगे। तो ये जो जर्नल्स हैं, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये डिटेल डॉक्यूमेंट होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रेफ़र करते हुए रेगुलर बेसिस पे जो है पब्लिश किए जाते हैं। फिर आता है आपका डाइजेस्ट। अब आपको डाइजेस्ट आपने देखा सेकेंडरी सोर्सेज में आपका था। डाइजेस्ट में क्या होता है कि आपको एक इंडेक्स की तरह होता है, जैसे अगर आपने कोई बुक पढ़नी है, वो बुक बहुत बड़ी है, तो आप जनरली क्या करोगे, उसका इंडेक्स देखोगे। आप देखोगे अच्छा पेज नंबर 25 पे ये चैप्टर है, ये खोल लेता हूँ, पेज नंबर 28 पे सीआरपीसी है, डायरेक्टली खोल लेता हूँ। बेसिकली आपको डाइजेस्ट एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह से इतने केसेस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स पर केसेस हैं, अलग अलग कोर्ट से हैं, ज्यूरिसडिक्शन अलग है, तो अगर हम इस सब को अच्छे से अरेंज कर दें तो कल को अगर हमें यूज़ करना होगा तो वो कितना इजी हो जाएगा। जिस ज्यूरिसडिक्शन या कोर्ट से जुड़ा हुआ केस है उसको हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। ये होता है डाइजेस्ट, ठीक है, एक इंडेक्स लीगल मैटर्स का जहाँ से आप सर्च करना इजी कर सकते हो। डाइजेस्ट का मेन काम यही होता है कि जो केस लॉ का मेन मैटर है उसमें से रिपोर्ट्स अलग कर ले, ठीक है, जो मेन कंटेंट्स है उसको ऐसा हाईलाइट कर दे कि आपको समझ आ सके कि स्पेसिफिकली वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जब डाइजेस्ट होता है वो हमें किसी ना किसी टॉपिक पर केस फाइंड करने में ही मदद करेगा, ऑफ कोर्स वो इंडेक्स जैसा है। तो कई बारी तो वो हेड नोट्स यूज़ करता है, कई बारी नोट्स यूज़ करता है एक्सप्लेन करने के लिए कि वो किस टॉपिक, ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट या सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ डाइजेस्ट है, या फिर वो कुछ नंबर्स होते हैं जिससे आपको वो केस को रेफरेंस मिल जाती है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स बना होगा, उसमें मान लो पेज नंबर 38 है, इस केस को रेफ़र करते हैं, केशव नंदा भारती केस है, इस पर्टिकुलर नंबर से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में अगर आपको कल को वो कभी भी रेफ़र करना है तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ लॉ के चैप्टर, लीगल रिसर्च के जो फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं यूनिट नंबर 4 के, ये ख़त्म हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि हमने पहले केस लॉज कर लिया और आज स्टैट्यूट्स, डाइजेस्ट, जर्नल्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।